नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीजगणित के दो टॉपिक चर और अचर पर चर्चा होगी, जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो बिना चर और अचर के समझे बीजगणित के प्रश्नों को हल करना कठिन होता है। यदि आप चर और अचर को समझ जाएंगे तो बीजगणित के छोटे से लेकर बड़े प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। चर बताने से पहले एक प्रश्न आपके सामने है, आप समझ जाएंगे चर और अचर क्या होता है, उसके बाद हम डिटेल से चर और अचर को समझाएंगे। मोहन के पास कुछ आम है, राजू ने उसे 5 आम और दे दिया। मोहन के पास अब कुल आमों की संख्या 20 हो गई। मोहन के पास पहले कितने आम थे ज्ञात कीजिए। मोहन के पास कुछ आम है, राजू ने उसे 5 आम दे दिया। अब उसके पास कुल आमों की संख्या 20 हो गई। अब मोहन के पास पहले कितने आम थे ज्ञात करना है। कुछ आम थे, वही कुछ को हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं मोहन के पास यक्ष आम थे। मोहन के पास पहले कितने आम थे, यक्ष आम थे, और राजू ने उसे 5 आम और दे दिया, तो कुल आमों की संख्या कितनी हुई, यक्ष प्लस 5। ये तो मानकर हमने चला, लेकिन प्रश्न में यही दिया कि ये 20 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। अब यहाँ यदि हम यक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो यक्ष का मान आएगा 20 माइनस 5 बराबर 15। यानी मोहन के पास पहले से 15 आम थे। अब यहाँ पर यक्ष क्या है, 5 क्या है, 20 क्या है, यही चर और अचर है। यक्ष चर है और क्या है, 5 अचर है। और यदि प्रश्न बदल जाएगा तो यक्ष बदल जाएगा, जैसे मोहन के पास कुछ आम थे, उसे 15 आम और दे दिया गया, तो अब उसके पास 30 आम आ गए, तो इस प्रश्न में यक्ष का कुछ और मान आएगा। तो यहाँ यक्ष क्या है, चर है, लेकिन 5 तो 5 है, 20 20 है, तो यही सब है चर और अचर में। तो समझिए, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। इन्हें प्रायः यक्ष वाई जेड आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यक्ष का मान क्या है, बदल रहा है। यदि प्रश्न हम दूसरा मान लेंगे तो यक्ष की वैल्यू कुछ इसमें 15 आया है। यदि हम यक्ष यहाँ पर कुछ और मान लेंगे, कुछ और दे देंगे, कुछ और प्रश्न बना लेंगे तो यक्ष की वैल्यू दूसरी आ जाएगी। तो यह क्या है, गणितीय प्रक्रिया में यह चर जो हो उसका मान बदलता रहता। अब लेकिन चर दो प्रकार का होता है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर किसे कहेंगे और परतंत्र चर किसे कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस चर को स्वतंत्र चर कहते हैं जो कोई भी निर्दिष्ट मान ग्रहण कर सकता है। उस चर को स्वतंत्र चर कहते हैं जो कोई भी निर्दिष्ट मान ग्रहण कर सकता है। अब देखिए जो प्रश्न हमारा था उसमें यक्ष का मान क्या था, 15 था, और प्रश्न बदल जाएगा तो उसका निर्दिष्ट मान को कुछ और आ जाएगा। अब समझिए परतंत्र चर, जिसका मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता उसे परतंत्र चर कहते हैं। जिसका मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक समीकरण हम लेते हैं आपके सामने, जैसे y बराबर यक्स प्लस 3, एक प्रश्न हमने ले लिया। तो यहाँ पर यक्स स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर। यदि x हम 1 ले लेंगे
तो y का मान 1+3 बराबर 4 आ जाएगा। यदि x की वैल्यू हम 2 ले लें तो y क्या आ जाएगा, यहाँ 2 रख देंगे, 2+3 बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y की जो वैल्यू है वह x पर निर्भर कर रही है। तो x यहाँ पर स्वतंत्र चर है और y क्या है, परतंत्र चर है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ये हुआ चर, चर के प्रकार। अब देखते हैं अचर, जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है उसे अचर कहते हैं, इन्हें प्रायः ए बी सी आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अचर दो प्रकार के होते हैं, अचर भी दो प्रकार के होते हैं। चर का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, यहाँ नियत रहता है, स्थिर रहता, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अब ये दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अचर, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जिस अचर का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में वही बना रहता है उसे निरपेक्ष अचर कहते हैं। अब जैसे 5 तो 5 है, ये कहाँ से बदलेगा, 2 2 है। तो जिस अचर का मान प्रत्येक चाहे कोई गणितीय प्रक्रिया 5 है तो 5 है, उसका मान है, वैल्यू है, और वो निरपेक्ष होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन एक बात और है, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जिस अचर का मान एक प्रक्रिया में नियत रहता है किंतु संदर्भ बदलने पर उसका मान बदल जाता है उसे स्वेच्छ अचर कहते हैं। जिस अचर का मान एक प्रक्रिया में नियत रहता है किंतु संदर्भ बदलने पर उसका मान बदल जाता है। अब हम एक प्रश्न आपके सामने लेते हैं और समझाते हैं, निरपेक्ष और अचर और स्वेच्छ अचर। जैसे एक है y बराबर m x प्लस सी, यह रेखा का समीकरण है। अब यहाँ पर क्या है, यदि रेखा इस प्रकार जा रही है तो m की वैल्यू और c की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन रेखा की दिशा यदि बदल गई, इस दिशा में होगी, तो m की वैल्यू और c की वैल्यू, जब रेखा इस साइड में है तो m की वैल्यू और c की वैल्यू कुछ रहेगी, लेकिन रेखा इस दिशा में चली गई तो m और c की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। लेकिन यदि हम इसको लिख दें y बराबर m x प्लस 5, तो m तो बदलेगा और 5 नहीं बदलेगा। तो यहाँ m और c स्वेच्छाचर है और 5 क्या है, निरपेक्ष चर। x क्या है, यहाँ पर स्वतंत्र चर है, y क्या है, परतंत्र चर है। तो इस प्रश्न में ये जो एक समीकरण है, रेखा का समीकरण है, इसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, निरपेक्ष चर, अस्वेच्छ चर सब इसी उदाहरण में है। नमस्कार।